आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान साहित्य और संस्कृति का बयान समता की आवाज बयान टीवी साथियों में साक्षी गौतम बयान के सभी दर्शकों को मान्यवर कांशी राम जी के सत्तासीवे जन्म दिवस पर मंगल कामनाएं मान्यवर कांशी राम अब हमारे बीच नहीं हैं। लेकिन भारतीय राजनीति तथा सामाजिक सवालों के क्षेत्र में एक प्रतिबद्ध आंदोलनकारी के रूप में स्वयं दलित और पिछड़े समाज के जुझारू कार्यकर्ताओं के सामने एक चुनौती बनकर हमेशा जीवित रहेंगे बकौल डॉक्टर तुलसीराम मीडिया लगातार उन्हें दलितों का मसीहा कहता रहा है लेकिन उनका यह मूल्यांकन अधूरा है हकीकत यह है कि कांसी राम वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दलित पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को एक साथ मिलकर उसे बहुजन समाज कहा ऐसे शख्स का जन्म रोपड़ जिले के ख्वासपुर गांव में 15 मार्च 1934 को रामदसिया सिख परिवार में हुआ मान्यवर कांसीराम सरदार हरि सिंह के परिवार में पहली संतान थे ये शुरू से ही मोटे ताजे थे सभी लोग इनसे प्यार करते थे सरदार हरि सिंह एक संपन्न किसान थे ख्वासपुर में स्कूल नहीं था खवासपुर से दो किलोमीटर मलकपुर नाम का एक गांव था मलकपुर गांव में एक सरकारी स्कूल था मान्यवर कांसी राम का नाम उसी सरकारी स्कूल में पहली कक्षा में लिखा गया इस्लामिया स्कूल रोपड़ से इन्होंने मिडिल कक्षा पास की राजकीय कॉलेज रोपड़ से इन्होंने बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की बी करने वाले रामदसिया सिख समाज में मान्यवर कांशी राम एक मात्र व्यक्ति थे भारतीय सर्वेक्षण विभाग में मान्यवर कांशी राम को सेवा करने का अवसर मिला दूसरा अवसर रक्षा उत्पादन विभाग में सहायक वैज्ञानिक के रूप में सेवा करने का प्राप्त हुआ इसी विभाग में मान्यवर डी के खापरडे व दीना भाना से मिले ये दोनों ही यूनियन चलाते थे उच्च अधिकारियों ने मिलकर बुद्ध जयंती रद्द कर दी थी दीना भाना ने उक्त छुट्टियों का विरोध किया तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया तब मान्यवर कांशी राम व डी के खापरडे बहुत बेचैन हुए उपरोक्त दोनों व्यक्तियों ने कार्यालय के सभी दलित कर्मचारियों को एकत्र करके दीना भाना को विजय दिलवाई मान्यवर कांशी राम की सोशल इंजीनियरिंग का प्रथम अध्याय द्वारा लिखित अनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की पुस्तक भेंट की मान्यवर कांशी राम ने उसे एक बार नहीं बल्कि कई बार पढ़ा फिर ज्योति राव फूले पैरियार साहु जी महाराज आदि महापुरुषों को भी पढ़ा तभी मान्यवर कांशी राम में एक सोशल इंजीनियरिंग बनने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई इकतीस वर्षीय मान्यवर कांशी राम ने दीना भाना के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी साइकिल लेकर फूले व अंबेडकर आंदोलन के लिए उस कार्यालय से निकल पड़े मान्यवर कांशी ने यह महसूस किया कि देश में आर्य व अनार्यों का झगड़ा है आर्यों ने अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए अनार्यों को 6000 हजार जातियों में बांट रखा है अनार्यों को पशु वक्त जीवन जीने के लिए मजबूर कर रखा है देश के अंदर ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय पंद्रह प्रतिशत होकर शेष पिचासी प्रतिशत लोगों पर अपना वचस् कायम रखना चाहते हैं। मान्यवर कांशी ने बिखरे हुए बहुजन समाज को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गुलामी का राज मान्यवर कांशी ने बहुजन समाज को बताया बहुजन समाज के साथ नीला परचम देकर मनुवाद के खिलाफ आह्वान किया मनुवादी बौखलाए मान्यवर कांशी को दलित नेता घोषित किया यही समय कांशी के त्याग का था समाज का भार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था इसी समय कांशी राम ने अपना घर परिवार त्यागा माँ को 24 प्रश्न का पत्र लिखा मास सेहरा नहीं कफन का इंतज़ाम रखना समूचे देश के बहुजन समाज को अपना घर मान लिया गर्मी वर्षा व शीत की परवाह न करके बहुजन समाज नाम का घर तैयार किया अप्रैल 1971 में पूना के खड़की में मद्रास स्कूल है उसमें कांशी ने समाज चिंतकों की एक बैठक की जिसमें डी के खापड़े, मधु परिहार भीमराव दलाल मनोहर आटे समेत पचास सरकारी कर्मचारियों ने दस्तकें दी मान्यवर कांशी का कहना था देश में सत्रह लाख अनुसूचित जाति व जनजाति के सरकारी कर्मचारी हैं इन्हें एक झंडे के नीचे लाकर बाबा साहेब का मिशन साकार किया जा सकता है छह माह बाद अनुसूचित जाति जनजाति एवं ओबीसी माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एसोसिएशन पुणे नाम की एक संस्था बनाई चौदह अक्टूबर 1971 को पुणे के नेहरू मेमोरियल हॉल में एक हजार सरकारी कर्मचारी एकत्र हुए इस उत्साह को देखकर कर मान्यवर कांशी राम ने पूरे पुणे के कर्मचारियों को एकत्र करने के लिए साइकिल पर निकल पड़े दिल्ली में भी मान्यवर कांशी राम ने अपने कार्यकर्ता तैयार किए छह दिसंबर 1978 को बाम सेव की विधिवत स्थापना कर दी गई। इस समय दो लाख सरकारी कर्मचारियों ने मान्यवर कांशी राम को सुना प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन चार दिसंबर उन्नीस को नागपुर में तथा दूसरा 20 अक्टूबर 1980 को दिल्ली में एवं तीसरा 14 अक्टूबर 1981 को चंडीगढ़ में सम्पन्न हुआ चौदह अप्रैल 1980 को मान्यवर कांशी राम ने बहुजन संगठक समाचार पत्र निकाला अपने समाज को जागरूक करने वाला प्रमुख पत्र था 30 मार्च उन्नीस को नागपुर से मराठी भाषा में दलितों का दैनिक बहुजन टाइम्स प्रकाशित हुआ 14 अप्रैल उन्नीस को दिल्ली से हिंदी अंग्रेजी भाषा में दैनिक बहुजन टाइम्स प्रकाशित हुआ इसके बाद अनटचेबल इंडिया बाम सेफ बुलेटिन आप्रेस्ड इंडियन बहुजन नायक श्रमिक साहित्य शोषित साहित्य दलित आर्थिक उत्थान इकोनॉमिक अपसर्ज बहुजन एकता आदि तेरह समाचार पत्रों के संपादक मान्यवर कांशीराम बने मान्यवर कांशीराम ने चमचा युग नाम की एक पुस्तक अंग्रेजी भाषा में लिखी पुस्तक पढ़ने से ज्ञात होता है कि मान्यवर एक अच्छे लेखक बन सकते थे मगर मान्यवर सामाजिक घर बनाने में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें कलम चलाने का समय ही नहीं मिला धीरे धीरे मान्यवर की शिक्षा भौतिक विज्ञान से समाज विज्ञान में तब्दील हो गई। पूना में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के संचालक कार्यालय के सामने पार्क में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति है यह पार्क अंबेडकर आंदोलन का ठिकाना है यहीं पर ईरानी होटल है जहां मान्यवर की साइकिल चोरी हुई मान्यवर को गुस्सा आया कहने लगे साइकिल लोहे का बाहन नहीं मेरे लिए मेरी मूवमेंट को बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है इसी साइकिल पर सवार होकर बहुजन समाज की मूवमेंट को बनाने के लिए घूमता हूँ साइकिल नहीं होगी तो मूवमेंट आगे बढ़ाने में परेशानी होगी सिर पर पोस्टर रख कर भूखे प्यासे मान्यवर कांशी राम समाज के लिए पैदल चलते रहे समय समय पर लोग आपस में चर्चा करके मान्यवर कांशी राम से कहने लगे जो घर आपने बनाया है उसमें आम आदमियों की भागीदारी नहीं है अर्थात आधे से अधिक बहुजन समाज बाम सेफ से जुड़ने से वंचित है यह संदेश ठीक नहीं है एक दिन आप संकुचित हो जाओगे तब मान्यवर कांशी राम ने विचार करके 6 दिसंबर 1981 को दलित इक्यासी समाज संघर्ष समिति बनाई मान्यवर कांशी राम के विचारों को सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ आम आदमी ने भी समझा और उनको सहयोग देना अपना नैतिक कर्तव्य समझा पुणे से दिल्ली की सड़कों पर मान्यवर कांशी राम हाफ बाजू की शर्ट पैंट एवं हवाई चप्पलों में दिखाई देने लगे दिल्ली की पुनर्वास कॉलोनियों में पैदल तो तो कभी साइकिल पर मार्च करके अपने पूर्वजों के संघर्ष का पाठ पढ़ाने लगे पुनर्वास कॉलोनियों के लोग अपने अपने गांव कस्बों में मान्यवर कांशीराम राम का विचार इस तरह लेकर गए तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार गाँव का मनुवादी समाज ऐसे नारे सुनकर तिलमिला उठा आखिर डॉक्टर अंबेडकर के बाद यह कौन पैदा हो गया जो हमें खुले आम ललकार रहा है बकौल महेंद्र जय राउत सामाजिक कार्यवाही के अंतर्गत डी एस फोर का दो चक्के और दो पांव आंदोलन पंद्रह मार्च उन्नीस से शुरू हुआ देश के गांव, कस्बे एवं शहरों में 40 दिनों तक साइकिल मार्च चलता हुआ किलोमीटर अपनी यात्रा तय करता। कांशी का अप्रैल उन्नीस अप्रैल तिरासी को दिल्ली पहुंचा बी एस फोर का नाम देश के हर जिले में गूंजा 6 दिसंबर उन्नीस में कन्याकुमारी कारगिल कोहिमा और पूरी में समता और आत्मसम्मान का सामाजिक आंदोलन 14 अप्रैल उन्नीस को दिल्ली के बोट क्लब मैदान में पहुंचा अंबेडकर ने राजनीतिक शक्ति को बहुत ही आवश्यक बताया था क्योंकि उसके द्वारा वे मौलिक सुधार ला सकते हैं और एक नवीन समाज की नींव को सुदृढ़ बना सकते हैं। यदि वे पिछड़ी जातियों के साथ मिल जाएं, और एक राजनीतिक दल बना लें तो वे राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं ऐसा सोचकर मान्यवर व्यवस्था परिवर्तन संभव नहीं था इसलिए उन्हें बहुजन समाज पार्टी की घोषणा यहीं से करनी पड़ी एक बार मान्यवर कांशी ने कहा था उत्तर प्रदेश ब्राह्मणवाद का पालना है अगर भारत को एक पुरुष के रूप में देखें, तो उत्तर प्रदेश उसकी गर्दन है जब मैं गर्दन दबोचता हूँ तो शरीर के दूसरे अंग अपने आप में निष्क्रिय हो जाते हैं और उन पर हमारा नियंत्रण कायम हो जाता है हम तो भारत सरकार पर नियंत्रण से कम कुछ नहीं चाहते मुझे मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए हमारे समाज की हालत मेरे हाथ में लगे एक कलम की तरह है इसका जो यह ऊपरी छोटा हिस्सा है वह इस बात का प्रतीक है कि कैसे कुछ मुट्ठी भर लोग इस पूरी कलम के छोटे हिस्से पर काबिज होकर पूरे समाज यानी कलम के शेष हिस्से का सदियों से शोषण कर उस पर शासन कर रहे हैं मेरी लड़ाई इस कलम को ठीक उल्टा कर देने की है मतलब ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का ऊपर आजादी के बाद बहुजन राजनीति की जमीन तैयार करने वाले कांशी कांशीराम पहले व्यक्ति थे उन्होंने बहुजन अस्मिता के सवाल बड़ी बेबाकी से उठाए जितनी उन्होंने जहदो जहद की उतना ही बहुजन आंदोलन आगे बढ़ा भारतीय राजनीति की चूले हिलने लगी भारतीय राजनीति में मनुवाद शब्द प्रचलन में आया भाजपा को कोबरा तो कांग्रेस को सांपनाथ विरोधी पार्टियों को नागनाथ कहा तथा बहुजन समाज को नेवलानाथ। मान्यवर कांशी राम से पहले भारतीय राजनीति में ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी नहीं हुआ देश में मजबूत सरकार का सिद्धांत गढ़ा मान्यवर कांशीराम देश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो उपचुनाव बार बार चाहते थे एक बार मान्यवर कांशीराम की एंजियोग्राफी हुई पर उनका मन पूना में होने वाले सेमिनार की तरफ था डॉक्टर ने भी 24 घंटे आराम करने को कहा था पर मान्यवर कांशीराम कहने लगे डॉक्टर मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ अगर 10 साल पहले की यह बात होती तो मैं शायद यह यात्रा नहीं करता मगर आज हमारे समाज की हालत ऐसी है कि मुझे अपने जीवन का हर एक मिनट इस्तेमाल करना है बड़ी कठोर मेहनत के बाद आज लोग मेरी बात समझने लगे हैं। इसलिए मुझे बड़ी तेजी से काम करना है पश्चिमी बंगाल में बिग्रेड मैदान में रैली करना आसान काम नहीं था पर मान्यवर कांशी राम ने असंभव को संभव करके दिखाया इसी मैदान में दोपहर तक तीन लाख आदमी एकत्र हो गए मान्यवर कांशी राम ने कम्युनिस्टों के घर में घुस कर कहा बसु सरकार अपने आप को कम्युनिस्ट कहलाती है उनका दावा है कि कम्युनिस्ट में बस लोग बराबर होते हैं मगर जो विषमता पश्चिम बंगाल में नजर आती है वह देश में अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा है पश्चिम बंगाल में हमारा शूद्र समाज रहता है हमारा चमार समाज रहता है हमारा बाल्मिक समाज रहता है क्या हालत है उनकी आज वह लोग गुलामी जैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं आज भी उन लोगों को निचले स्तर के काम दिए जाते हैं पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा छुआछूत है फिर कहा गया तुम्हारा कम्युनिज्म कहा गया तुम्हारा मानवता का संघर्ष सच बात तो यह है कि कम्युनिज्म के नाम पर यहाँ पर भी एक ब्राह्मण की सत्ताधीश है और वह लाल रंग ओढ़कर मनुवाद को चला रहा है 1988 में इलाहाबाद से पहली बार लोकसभा चुनाव बी पी सिंह व सुनील शास्त्री के विरुद्ध लड़कर तीसरा स्थान प्राप्त किया दिल्ली के एच के एल भगत व अमेठी से राजीव गांधी के विरुद्ध लड़े चुनाव में हार तो गए मगर पार्टी का प्रचार खूब हुआ हालांकि मान्यवर का चुनाव लड़ने का उद्देश्य भी यही था उन्नीस में इटावा से चुनाव जीतकर भारतीय संसद में दस्तक दी लोगों का मान्यवर कांशी कांशीराम में विश्वास दुगना बढ़ा उन्नीस में होशियारपुर से लोकसभा का चुनाव जीता उन्नीस में चुनाव हार गए तब पार्टी ने राज्यसभा में पहुंचा दिया 13 सितंबर 2003 को हैदराबाद की सभा में मस्जिद आघात हुआ तब से मान्यवर बिस्तर पर पड़ गए 9 अक्टूबर 2006 को मान्यवर कांशी राम ने अंतिम सांस ली मान्यवर कांशी राम पर दलित तथा गैर दलित नेता जातिवादी राजनीति का आरोप लगाते रहे हैं पर भारत में ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं जो जातीयता के आधार पर राजनीति न करता हो अगर कोई इस सत्य से और तथ्य से इनकार करता है तो निश्चित ही वह स्वयं को अत्याधिक होशियार और लोगों को मूर्ख बनाकर बड़ी बेशर्मी से झूठ बोल रहा है भारत जातिवादी देश है। अतः यहाँ जातिवादी राजनीति होती रही और भविष्य में भी होती रहेगी सही मायने में मान्यवर कांशी राम ने राजनीति में वह काम किया जिसे बाबा व बाबूजी भी नहीं कर पाए वे सामाजिक घर की स्थापना करके सत्ता के गलियारों तक पहुंचे बहुजनों को एक स्वतंत्र राजनीति करनी सिखाई मान्यवर कांशीराम, राम बुद्ध अंबेडकर व फूले के बाद चौथे नंबर के सोशल इंजीनियर थे हालांकि बाद में इनकी सोशल इंजीनियरिंग राजनीति में बदल गई युग पुरुष की दृष्टि में कहीं खोट नहीं था परिस्थितियाँ कहीं न कहीं अनुकूल नहीं रही मान्यवर कांशी राम का संघर्ष 1965 से अंत तक कांटों भरा रहा आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।